बता दें कि खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के क्षेत्र सिरसागंज से है, जहां लोक माता अहिल्याबाई होलकर को अपमानित किए जाने पर कई सामाजिक संगठनों द्वारा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। उसी के चलते बुधवार को अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने तहसील सिरसागंज पर पहुंचकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत सरकार श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर के नाम एक ज्ञापन पत्र उप जिलाधिकारी सिरसागंज को सौंपा, जिसमें अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन पत्र के माध्यम से कहा कि फिल्म निर्माता एकता कपूर द्वारा निर्मित वेब सीरीज चैनल पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर नामक सीरीज का प्रसारण गलत तरीके से किया जा रहा है, जिसमें एकता कपूर फिल्म निर्माता द्वारा भारतीय इतिहास की नायिका अहिल्याबाई होलकर को एक महिला छात्रावास के नाम से ऐसे छात्रावास के दृश्य को दर्शाया जा रहा है, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल के नाम को लोक माता अहिल्याबाई छात्रावास दिखाया जा रहा है, जो काफी गलत एवं निंदनीय है, जिससे कई सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसके लिए अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना केंद्रीय सूचना के प्रसारण मंत्री भारत सरकार से मांग करता है कि जल्द से जल्द फिल्म निर्माता एकता कपूर द्वारा भारतीय इतिहास की नायिका अहिल्याबाई होलकर के नाम को निर्मित वेब सीरीज में एक गर्ल्स हॉस्टल का नाम अहिल्याबाई छात्रावास के नाम जो दिखाया जा रहा है, जिसको तुरंत वापस लिया जाए। इस अवसर पर चरण सिंह बघेल, पूर्व प्रधान राहुल धनकर, पप्पू मस्ताना, जिला अध्यक्ष अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना हरचरण सिंह बघेल, अवनीश धनगर, आशीष पाल, राकेश बघेल, एडवोकेट विकास बघेल आदि अखंड हिंदू राष्ट्रीय सेना के कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिरोजाबाद से सचिन जैन की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल धनगर, पप्पू मस्ताना। आपके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है सिरसागंज एफसीओ, किस संबंध में ज्ञापन आपने दिया है? ये हमारी समाज की पूर्ण लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के ऊपर जो एकता कपूर द्वारा अपमानित किया गया है, जो सीरीज दिखाया गया है छात्रावास में, उसके ऊपर दिया गया है। और मैं मांग करता हूँ सूचना प्रसार मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से कि इन पर कठोर कार्रवाई की जाए और ऐसी फिल्म पर भी इनके पर रोक लगाई जाए और तथा ऐसे हीरोनों को जरा बर्खास्त किया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए।